चैनल और बहुत मज़ा आता है मुझे यूट्यूब व्लॉग्स बनाने में, और आप सबकी काफ़ी शिकायत होती है कि क्यों नहीं बनाती हो जब मज़ा आता है। तो फर्स्ट, अब मैं दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हो गई हूँ, तो जब मैं दिल्ली में थी तो बहुत सारे डेस्टिनेशन थे वहाँ से, तो मैं ट्रैवल व्लॉग बना लेती थी। अब जब से बॉम्बे आई हूँ, वहाँ से सिर्फ मुंबई लंदन, लंदन मुंबई या मुंबई दुबई, बस यही है। तो मैं अभी बार बार आपको कितना लंदन बताऊँ, है ना। और जहाँ मैं स्टे दिया गया है ना लंदन में, इट्स वेरी नियर टू एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट के पास हूँ, तो जो लंदन ब्रिज, लंदन आई और ये सारी चीज़ें, वो सेंट्रल लंदन में पड़ती है, जो कि यहाँ से 2-2.5 घंटा दूर है। अब मैं जब जब आऊँ तब तब वहाँ जाऊँ पॉसिबल नहीं हो पाता है, और क्रू भी वैसा नहीं मिलता साथ में जाने के लिए कि यार चलो थकान भूल कर चले जाते हैं, तो इसीलिए व्लॉग्स नहीं आ पा रहे। बट सिंस आज मैं थोड़ी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो व्हाट्स इन माय क्रू बैग शूट कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो नहीं टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ 2-3 लोगों ने मुझे पूछा था कि दीदी आप जो ब्लैक कलर का पर्स कैरी करते हो उसमें क्या कैरी करती हो, बेसिकली इतना क्या है उसमें। तो मैंने सोचा चलो वही शूट कर लेते हैं आज, वैसे भी होटल में ही हूँ मैं। और आपने देखा होगा मेरी स्किन की हालत थोड़ी सी ख़राब हुई पड़ी है, क्योंकि मुझे पीरियड्स आने वाले हैं। तो जब भी मुझे पीरियड्स आने वाले होते हैं तो मुझे मेरे कुछ दोस्त मिलने आ जाते हैं जो पीरियड्स के साथ चले भी जाते हैं। तो चलो अब मैं जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, रेडी होके आपसे मिलती हूँ, एंड देन वी विल शूट व्हाट्स इन माय बैग, व्हाट्स इन माय क्रू बैग एडिशन, ठीक है। चलो, आपने मेरे इंस्टाग्राम व्लॉग पे देखा होगा, इंस्टाग्राम मिनी व्लॉग पे देखा होगा कि मुझे बाथ बॉम्ब्स का आजकल बहुत शौक आया हुआ है, तो मैंने ये बाथ बॉम्ब लिया। इससे होता कुछ नहीं है, जस्ट वेरी यू नो फैंसी और थोड़ा कलरफुल हो जाता है वाटर, और कुछ कुछ बाथ बॉम्ब्स में बाथ सॉल्ट्स होते हैं जिससे हेयर रिलैक्सेशन होता है, और काफ़ी सारी वो क्या कहते हैं यार चीज़ें होती हैं जिससे तुम रिलैक्स फील करते हो। तो दिस इज़ नॉट वन ऑफ देम, इसमें अलग अलग तरीके के बाथ बॉम्ब्स आते हैं। ये तो बस एनी वाला है जिसमें थोड़ा सोपी इफेक्ट होगा और कलर आएगा। तो मैं बिल्कुल ही नहा के फ्रेश होके आ चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ एज इन यहीं पर शूट करने वाली हूँ। अभी इंस्टाग्राम स्टोरी पे मुझे एक कोलैबोरेशन आया हुआ है एनिक ब्यूटी, एनिक कॉस्मेटिक्स के तरफ से कुछ लिपस्टिक्स आए हुए हैं, मुझे उनका स्वॉच देना है, और या सो आई विल जस्ट फिनिश दैट ऑफ एंड वी विल स्टार्ट विथ व्हाट्स इन माय क्रू बैग, क्रू हैंड बैग। तो मेरा कोलैबोरेशन शूट करके हो गया, मैंने स्टोरी भी पोस्ट कर दी है, तो अब आई जस्ट थोड़ा सा मैं फ्रेश होके उसके बाद, हाँ पता है मैं 3-4 बार बोल चुकी हूँ मैं अब करूँगी, बट मैं अब सीरियसली जा रही हूँ अपना व्हाट्स इन माय कैबिन क्रू हैंडबैग शूट करने। थोड़ा सा मैस हुआ पड़ा है, ये सब थोड़ा क्लियर कर दूँ, आपको दिखाती हूँ। मैंने लिपस्टिक निकाली है अभी, वही ग्लाइड लाइक कॉफ़ी जो जहाँ से मुझे ये एनिक कॉस्मेटिक्स से आया हुआ था कोलैबोरेशन, तो मैं वही लिपस्टिक अभी लगा के बस थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ। हाँ, नीचे मैंने वही पैजामा पहना है, बस ऊपर का चेंज किया हुआ है, क्योंकि मैं होटल में ही हूँ तो फिर कौन ही देख रहा है। तो आई विल जस्ट गेट रेडी इन 2 मिनट्स और फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट्स इन माय कैबिन क्रू हैंडबैग। हाँ, मैं अपने पैजामे में हूँ और ऊपर मैंने टॉप पहना हुआ है, तो दिस इज माय कैबिन क्रू हैंडबैग। ये लेदर का हैंडबैग है जो हमें हमारी एयरलाइन की तरफ से मिला हुआ है, तो दिस इज़ वेरी स्टर्डी और बहुत स्पेशियस है, इसमें मैं अपनी पूरी दुनिया लेके चलती हूँ। और इसके पीछे एक चेन है और इस पर ये की चेन लगाया हुआ है जिसने मुझे दिया है, आप सबको पता है किसने दिया होगा। सो इट वॉज माई फर्स्ट डे गुड लक चार्म टाइप का कीचेन था ये, जब मेरी एयर इंडिया में नई नई ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तब मुझे गिफ्ट किया था। और इसके अंदर बहुत ही रैंडम है, ठीक है, बहुत रैंडम है, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया कि मैं ये दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है, तो बस बने रहिए। तो पहले है ये
सैनिटरी पैड, और फिर है एक ब्लैक मास्क, एंड देन बहुत चार ये सारे पेन्स हैं। इसमें से ये वाला पेन ना काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि मुझे ये एक पैसेंजर ने बहुत ही खुश होके, और वो काफ़ी एजड पैसेंजर थे, तो पहले वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे काफ़ी डीले वीले के चक्कर में, बट लेटर ऑन वो खुश हो गए, तो उन्होंने मुझे खुशी से ये पेन दिया था। वैसे आई डोंट एक्सेप्ट ऐसे बहुत गिफ्ट्स एंड ऑल, मतलब यूजुअली कोई क्रू एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि हमें अलाउड नहीं होता, बट सिंस ही वॉज एन एल्डरली पैसेंजर तो आई जस्ट एक्सेप्टेड दिस वन। तो उनका कोई पेन का कलेक्शन रखते हैं वो, तो उसमें से उन्होंने ही मुझे ये दिया। फिर ये हाउ टिपिकल ऑफ यू ट्विंकल, तो ये क्रू टैग है जो रखा हुआ है, और फिर एक और ब्लैक मास्क, के ब्यूटी का मेरा रिकमेंडेड नेल पेंट विच इज़ इन द शेड रॉकी रोड, फिर कुछ रैंडम पैसे, इंडियन करेंसी है, और फिर एक चीज़ क्यूब जस्ट इन केस मुझे कैब में कहीं भूख वूख लग गई तो मैं भूखी तड़पती ना रहूं इसलिए, और वो भी यहाँ है। ठीक है, तो इसे हम वापस रख देते हैं क्योंकि शाम को हमारी फ़्लाइट है और हमें सिर्फ मैं यही समेटने में लग जाऊँगी तो मैं रेडी होने लेट हो जाऊँगी। तो फॉरवर्ड में इसको ना यहाँ पे लॉक है, तो वो लॉक नंबर आप लगाएंगे एंड देन इट ओपन्स। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट चेन आता है, तो इस चेन के अंदर ब्लैक मास्क, एक और मास्क, आप एक बाउंटी चॉकलेट, जस्ट वही अगर भूख लगी तो। पर ये सब ऐसे कहीं भी क्यों रखा है मैंने, अगेन टिपिकल क्रू टैग भी है। मैं इसीलिए रखती हूँ ना क्योंकि ये ना जब हमें बैग्स चेक इन कराना होता है तो कभी कभी काउंटर पे ये टैग्स नहीं होते हैं, तो आई जस्ट टेल देम कि मेरा यही लगा दो, मैं नहीं चाहती कि मैं पहुँच जाऊँ मेरा बैग ना पहुँचे। फिर वी हैव च्युइंगम, और ये ना मुझे पैसेंजर ने नोट दिया था तो ये नोट भी मैंने रखा हुआ है संभाल कर। हाँ, ये पैसेंजर मुझे ये नोट्स, ऐसे नोट्स कलेक्ट करना और लेना बहुत पसंद है क्योंकि ये वो खुद से देते हैं, और दिस इज़ रियली स्वीट कि आप अपना टाइम निकाल के किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सब ना मैं अभी घर जाके ही समेटूंगी सब, यहाँ से वहाँ जो मुझे करना है साफ़ सफाई। फ़िलहाल मैं बस आपको बता दूँ कि इसमें होता क्या है। राइट नाउ जैसे मैंने आपको बताया मैं लंदन में हूँ, तो पूरा दिन मैं होटल में ही थी, तो बस फिर ये वॉच जो मैं अपनी फ़्लाइट पे पहनती हूँ मैं भी इसके अंदर ही रख देती हूँ, अगर यहाँ वहाँ रखूँगी और भूल गई, क्योंकि वॉच इज़ अ मस्ट व्हेन आई एम इन माई यूनिफॉर्म और जब मैं फ़्लाइट पे होती हूँ। ये मेरे घर की कीज़, और ये हमारे एयर इंडिया के महाराजा, ये मुझे ट्रेनिंग टाइम पे एक शॉप से मिली थी तो मैंने लिया था। हाँ, अब यहाँ पे कुछ नहीं। हाँ, मैं बता रही थी वॉच क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो वॉच हमें टाइम देने के, टाइम देखने के लिए ऑफकोर्स, फिर कोई पैसेंजर्स होते हैं जिनको दवाई खानी होती है और उन्हें याद नहीं होता, तो दे टेल अस कि आप प्लीज़ इतने टाइम में मुझे बताना, कि मुझे याद दिला देना कि खाना है दवाई। फिर कभी कोई पैसेंजर अगर ऑन बोर्ड सिक पड़ जाता है तो हमें पल्स चेक करने के लिए वॉच की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम फर्स्ट एड ट्रेनर्स भी हैं, ट्रेंड फर्स्ट एड ट्रेनर्स कह रही हूँ, ट्रेंड फर्स्ट एडर्स। और मेरा बैग हो और दवाई ना हो, ऐसा हो सकता है? सो ऑफ कोर्स विक्स इनहेलर, मेफ्टल स्पास, दिस इज़ सर्दी ज़ुकाम बुखार बदन दर्द वाली कोई दवाई है ये, जलजीरा अगर मुझे मोशन सिकनेस कुछ हो रहा हो तो, फिर वापस पेट दर्द की दवाई है, और इलेक्ट्रॉल है, और बैंडेड है। नाइस। फिर ईयरपॉड्स है, बड़ा वाला विक्स है,
एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बिना मैं घर से नहीं निकल सकती, मैं कैब भी बोर्ड नहीं कर सकती. आई मीन क्योंकि ये नहीं रहेगा ना तो मुझे एयरपोर्ट पे एंट्री ही नहीं है. दिस इज़ माई आईडी कार्ड, दिस इज़ माई आईडी कार्ड और इसमें मेरा एयरपोर्ट एंट्री पास और जो हमारा लाइसेंस्ड एयर इंडिया पास है वो होता है. और अभी रिसेंटली ना मुझे जो यूरोप कंट्रीज़ के लिए एक CMC कार्ड लगता है तो मुझे वो मिला है. मैं बहुत खुश हूँ, नाउ फाइनली आई विल बी एबल टू गो टू यूरोपियन कंट्रीज़ टू यूरोपियन कंट्रीज़ फ्रैंकफर्ट, ये वो ऐसी जगहों पे वो कार्ड की ज़रूरत पड़ती है. एंड देन पहले मैं बाकी सब बता देती हूँ, क्योंकि जो ये बीच वाली चेन है ना दिस इज़ फुल ऑफ मेकअप जो टचअप के लिए मैं यूज़ करती हूँ. और फ्लाइट पे मैं मतलब इस पर्स में मैं कुछ ऐसा हाई एंड प्रोडक्ट नहीं रखती, क्योंकि यार कभी घूम गया या कुछ हो गया तो दुख होगा. तो ये एक और इंस्टेंट हॉट चॉकलेट गैलेक्सी का इंस्टेंट हॉट चॉकलेट है ये, इसमें सिर्फ पानी डालो और फिर ये रेडी हो जाता है. ये रखा है और क्या है, हाँ ये डायरी रखी है. इसमें मैं फ़्लाइट रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन लिखती हूँ कि मतलब कब क्या कहाँ पे क्या रखा हुआ है और मतलब जो चीज़ें हमारे हमें ट्रेनिंग के टाइम पे पढ़ाई गई थी तो मैं शॉर्ट में इसमें लिख के रखती हूँ. और जब भी कुछ नई चीज़ सीखती हूँ तो इसमें लिख देती हूँ. और फिर ये मेरा पासपोर्ट, ये गिफ्टिंग ट्री से मैंने लिया नहीं था एक्चुअली, गिफ्टिंग ट्री से मुझे गिफ्ट आया था. आप सब समझ सकते हैं गिफ्टिंग ट्री किसका है और किसने मुझे ये गिफ्ट किया होगा. यस करेक्ट, आपने बिल्कुल सही गेस किया. ठीक है, तो अब ये पूरा पर्स मैंने आपको दिखा दिया. अब बीच में जो मेकअप है टचअप के लिए मैं बस वो दिखा देती हूँ. सो आई हैव दिस फॉरएवर 52 का कॉम्पैक्ट पाउडर, लॉरियल का कंसीलर, ये जूडियो का परफ्यूम जिसका ढक्कन गुम हो चुका है वेरी रैंडम, और ये के ब्यूटी की न्यूड लिपस्टिक विच इज़ इन द शेड एम्ब्रेस, फिर ये नेल पेंट रिमूवर, और ये है लिक्विड ब्लशर नेचर रिपब्लिक का. ये जब मैं कोरिया गई थी तब मैं लेकर आई थी, तो इट्स रियली नाइस, मुझे बहुत पसंद आया. मुझे और दो तीन ले लेने चाहिए थे क्योंकि जब से बॉम्बे आई हूँ और कोई डेस्टिनेशन तो मिल नहीं रहा और ये अब ख़त्म होने वाला है. एंड देन आई हैव सम मिंट्स हैंड क्रीम जो नायका से है, फोकस या और फिर कोम जो ऐसी टूट गई है, मुझे बहुत शर्म आनी चाहिए ये सब चीज़ें दिखाते हुए, बट आई एम वेरी कैंडिड राइट नाउ. जो बस दिख रहा है मैं बस दिखाते जा रही हूँ, इसको मैं फेंक देती हूँ. डोंट वरी, मैं वापस नहीं रखूँगी, फेंक रही हूँ. और ये कंसीलर मेबेलिन का है, ये भी ख़त्म होने आया है बट इट स्टिल हैज़ कुछ प्रोडक्ट अभी भी है जो काम आ सकता है. फिर ऑफकोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी पिन्स हैं, और मेरा रोल ऑन है जब सर दुखे तो लगा लो, इसको बाहर रख देती हूँ. एंड व्हाट एल्स, हाँ फिर ये एक कोम है, इसकी हालत काफ़ी अच्छी है. फिर ये एक लैक्मे 9 to 5 की लिपस्टिक है, दिस इज़ ऑल्सो इनसाइड के लिपस्टिक है पर इसका सब कुछ उड़ चुका है बट अंदर लिपस्टिक है अभी भी. ये बाउंटी की चॉकलेट, ये मैं फर्स्ट चेन में रख देती हूँ जहाँ पे मुझे एक और मिली थी. और ये एक्स्ट्रा रबर बैंड, वापस एक और बाउंटी. दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन गाइज, बस मुझे बाउंटी इसीलिए पसंद है क्योंकि ये स्वीट है और इसके अंदर कोकोनट है तो थोड़ा सा वो हैवी हो जाता है, तो व्हेन यू ईट एंड ड्रिंक वाटर तो थोड़ा तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी. एंड हाँ ये एट्यूड हाउस का आईब्रो, क्या आईब्रो करने वाला, ठीक है शी, मैं कैसे भूल रही हूँ ये सब. हाँ बस हो गया, बस ये एक एम्प्टी मिंट बॉक्स है जो फेंकना है. ठीक है, तो ये है सब जो मैं अपने मेकअप टचअप के लिए करती हूँ. और आपने देखा कि मैं ज़्यादा हाई एंड प्रोडक्ट इसमें नहीं रखती, जो ऐसी चीज़ें रखी है जो गुम हो जाएंगी तो मुझे गम नहीं होगा, और ज़्यादा चीज़ें अपने हैंडबैग में रखनी नहीं भी चाहिए एक्सेप्ट फॉर
पासपोर्ट एंड माय एयरपॉड्स एंड माय एयरपोर्ट एंट्री पास और घर की चाबियाँ, इसमें कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट मैंने नहीं रखा है, बट सब कुछ जो फटाफट मतलब हैंड्स ऑन पे रखा हुआ है कि फटाक से कुछ भी काम आया तो ले लिया. सो दिस वॉज इट फॉर व्हाट्स इन माई कैबिन क्रू हैंड बैग. अगर आपको ये वर्जन अच्छा लगता है तो मुझे बताना, सो आई विल शेयर कि मैं क्या अपने लेवर बैग और अपने टोट बैग में क्या कैरी करती हूँ. सो टोट बैग में बेसिकली मेरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट और भी चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूरी होती है कैरी करना, विच इज़ वेरी मैंडेटरी टू फॉर ऑल द कैबिन क्रू टू कैरी. एंड जो लेवर बैग है उसमें तो बस कपड़े होते हैं या फिर खाने की चीज़ें होती हैं. सो दैट्स इट. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. और आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते हुए रहें. और बस यार, थैंक यू सो मच हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, इतना पैम्पर करने के लिए. हमेशा आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं. कुछ कुछ कमेंट्स होते हैं, यार कितना ओवर एक्टिंग कर रही है यार, ठीक है. तो मेरे पास उनके लिए जवाब नहीं होता, क्योंकि आई गेस वो उनका कभी पाला नहीं पड़ा ऐसे पीस के साथ. जो मैं हमेशा स्माइल करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है स्माइल करना. आई मीन किसको नहीं पसंद स्माइल करना, सबको पसंद होता है. तो मैं बहुत हंस हंस के ही सबसे बात करती हूँ, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे फेस पे दिख जाता है. जब मैं फेक भी कुछ बन रही रहूँगी तो भी मेरे फेस पे दिख जाएगा. सो माई फेस इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट. फिर कुछ लोग इस पे भी कमेंट करते कि तुम इतना हाथ उठा उठा के क्यों बात करती हो. सो गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, ठीक है. तो ये मेरे एक्सप्रेशन होते हैं जो मेरे फेस पे तो दिखता ही है, बट विद द हैंड्स ये अपने आप आता है. बिकॉज सी फर्स्टली मैं इतनी एक्सप्रेसिव हूँ, इसीलिए मेरे हाथ भी एक्सप्रेस करते हैं. अगर मैं हाथ नहीं करती, ठीक है, अगर मैं सिर्फ ऐसे बोलती हूँ हाय गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, इट बिकम्स वेरी नॉर्मल, ठीक है. अब मैं बोलती हूँ हाय गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, सी द डिफरेंस. तो वो थोड़ा और वेलकमिंग लगता है. और अगर आप लोगों को इरिटेटिंग लगता है तो कुछ नहीं कर सकते हम इसके लिए, तो मैं तो चेंज नहीं कर सकती. बट अगर आप इस आदत को पसंद करने लग जाएं तो अच्छा होगा, और अगर नहीं पसंद करेंगे तो कोई बात नहीं, फिर और कुछ नहीं कर सकते हम. एनीवेज सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप द लव कमिंग.